हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना वैदिक पंचयोग अभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे ही ठंड का या फिर बरसात का मौसम शुरू होता है, घर में सर्दी, खांसी या फिर वायरल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हर बार मौसम के बदलने की वजह से होने वाली बीमारी को लेकर हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसीलिए कुछ बहुत ही असरदार और 100% नेचुरल घरेलू नुस्खे मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ये सारे नुस्खे आप घर पे ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको भी अपने सर्दी और खांसी का इलाज घर पे ही आप कर पाएंगे और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सर्दी या खांसी होने पर सबसे पहले तो हमें एक काढ़ा बनाकर रख लेना है। ये काढ़ा बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1 गिलास पानी को उबालेंगे। फिर इस पानी में हम काली तुलसी की कुछ पत्तियां डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे अड़ूसा की पत्तियां, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। फिर हम डालेंगे अजवाइन 1 से 2 चम्मच। फिर इसमें डालेंगे जायफल यानी कि नटमेग पाउडर 1/4 चम्मच। फिर हम डालेंगे पिसा हुआ अदरक 2 से 3 चम्मच। लौंग डालेंगे 2 से 3 और दालचीनी डालेंगे 2 से 3 टुकड़े। और सबसे लास्ट में और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी 1 से 2 चम्मच हम डाल सकते हैं इसमें। और सबसे आखिर में डालेंगे गुड़ अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पे 2 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। अभी इस काढ़े को हमें उबालना है तब तक जब तक ये पानी उबलकर आधा ना हो जाए तब तक। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काढ़ा उबल चुका है और पानी लगभग आधा रह चुका है। तो अभी हम गैस बंद करेंगे और इस काढ़े को अच्छे से छान लेंगे। दोस्तों, तो ये मैंने काढ़ा छान लिया है। अभी इस काढ़े को थोड़ा ठंडा होने दें और ये काढ़ा हमें 2-2 चम्मच 1-1 घंटे के अंतर से लेना है। दिन में 10 से 12 बार हमें ये काढ़ा लेंगे, जिससे आपको तो सर्दी और खांसी में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा है, गले में बहुत थ्रोट इन्फेक्शन महसूस हो रहा है, तो पिसे हुए अदरक का जूस निकालिए और इसे हल्का गर्म कीजिए। अभी हल्का गर्म हो चुका है। हल्का गर्म होने के बाद 1 चम्मच अदरक के जूस में करीबन 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन कीजिए दिन में 4 से 5 बार। दोस्तों, अगला नुस्खा है दालचीनी पाउडर को लें। करीबन 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसका सेवन करें दिन में 4 से 5 बार। दोस्तों, ये भी खांसी के लिए बहुत ही असरदार नुस्खा है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है और बहुत पुराने समय से खांसी है और बार बार आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो मैं आपको एक बहुत ही असरदार और एक रामबाण इलाज आपको बताती हूँ, जो बहुत ही करने में बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है प्योर। और ध्यान रखिए कि ये प्योर ऑर्गेनिक हल्दी होनी चाहिए। प्योर ऑर्गेनिक हल्दी लीजिए, 1 चुटकी हल्दी लीजिए और इसको डायरेक्टली अपने गले में डालिए। 5 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखिए, जिससे कि ये जो हल्दी है हमारे लार के साथ मिक्स होकर अच्छे से अंदर चली जाएगी। दोस्तों, आज जो मैंने नुस्खे आपको बताए हैं, वो बहुत ही असरदार और 100% सेफ एंड ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खे हैं। तो आपको भी आप सब आप भी इन सारे नुस्खों को ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, ये जो नुस्खे हैं, वो हम 1 साल से अंदर के जो बच्चे हैं, यानी कि 5, 6 या 3, 4 महीने के जो बच्चे हैं, उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उन्हें अगर सर्दी और खांसी हो जाए तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।